इन सर्दियों की सीजन में टमाटर को देखकर लगता है ना, काश बारह महीने ही ऐसे टमाटर मिले। टमाटर का कलर इतना सुंदर, टमाटर सस्ते इतने और स्वादिष्ट भी हैं। तो चलिए एक बढ़िया सा टमेटो केचप बनाते हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको टमेटो केचप जो बना के दिया था, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कह रहे थे बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं क्या, तो चलिए आज वही करते हैं। न प्याज डालेंगे, न लहसुन डालेंगे, और तो और ना कोई कलर, ना कोई प्रिजर्वेटिव। पूरी तरीके से जैन टमेटो केचप है, बहुत अमेजिंग है। मेरे घर में इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर, इसका टेस्ट देखकर सभी यही कह रहे हैं ये टमेटो केचप बहुत टेस्टी बनी है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल ऐसी लग रही है जैसे हॉट एंड सॉर सॉस होती है। तो चलिए इसके जो जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी उन्हें फॉलो कीजिए और बढ़िया सा केचप बना लीजिए। आज मैंने जो टमाटर लिए हैं बिल्कुल फ्रेश टमाटर लिए हैं, आप भी ऐसा ही कीजिए। कभी भी गले सड़े टमाटर बिल्कुल मत लीजिए। 1.5 किलो मैंने टमाटर लिए हैं और 10 से 12 मैंने ताजी वाली लाल मिर्च ली हैं, जो कि इस समय सीजन में बहुत बढ़िया मिल रही हैं। इससे कलर भी बहुत बढ़िया आएगा, तीखापन भी आएगा। अगर आपको किसी वजह से ये ताजी लाल मिर्च नहीं मिल पाती तो कोई बात नहीं, लास्ट में मैं बताऊंगी कि इसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को मैंने साफ कर लिया है, पोंछ लिया है। टमाटर के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कट करें और 4-4 पीस कर लीजिए। मिर्ची के डंठल को काट के उसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। अब एक बात, इसे हमें प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है। प्रेशर कुकर में पकाने से काम तो बड़ा जल्दी हो जाएगा, पर क्या है ना, इसका कलर थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो मैं इसे खुले बर्तन में पकाऊंगी, पतीला या फिर कढ़ाई, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने लिए ये यहाँ पर एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी डाला है। याद रखें, सिर्फ 1/4 कप पानी, जिससे हमें कम मेहनत में बहुत जल्दी ये सॉस बन जाएगी। सारे लाल मिर्च और टमाटर सारे इसमें डाल दीजिए। अब इसे बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक गरम मसाले की पोटली। उसमें मैंने क्या क्या डाला है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 20-25 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची और 4 लौंग लिए हैं, और 1 स्टार एनिस जिसको बोलते हैं चक्रफूल, वो मैंने डाला है। इन सब चीज़ों को मैंने खलबत्ते में कूट लिया है। कूटने के बाद एक पतले से कपड़े में बांध लेती हूँ। अब इस टमाटर वाली कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब आपको यहाँ ये लगेगा कि गरम मसाला कूटने की क्या ज़रूरत है, गरम मसाला जो कूटा हुआ है वो भी तो यूज़ कर सकते हैं। नहीं, वो अगर आप डालेंगे ना तो इसका कलर थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से होल गरम मसाले को कूट कर ही डालना है, जिससे ये बहुत फ्लेवरफुल बने। अब आपको ये लगेगा टमाटर के साथ हम नमक पहले ही डाल दें तो उससे जल्दी पक जाते हैं, ये मुझे भी पता है। पर क्या होता है ना, हम पहले उस टमाटर को पीसते हैं, उसके बाद छानते हैं, तो नमक का रेशो कम ज़्यादा हो जाता है। तो आप इसी तरीके से कीजिए जैसे मैंने बनाया। इससे आपको परफेक्ट नमक, परफेक्ट चीनी का स्वाद, परफेक्ट खटाई, सब चीज़ इसमें परफेक्ट मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट रेशो के साथ जो मैंने आपको इन्ग्रीडियंट्स दिए हैं उसी तरीके से बनाइए, आपकी भी टमेटो केचप बहुत अमेजिंग बनेगी। इसमें नमक वगैरह अभी कुछ मत डालिए, बस टमाटर और मिर्ची को पकने दीजिए। करीब करीब 10 मिनट लगेंगे इसे पकने में। लीजिए, 10 मिनट हो चुके हैं, ये बढ़िया से पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसे ठंडा कर देते हैं। इन टमाटर के अंदर जो गरम मसाले की हमने पोटली डाली थी, उबलने के बाद उसे स्क्वीज करके आप अलग रख दीजिए। उसे सुखा कर आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद इसे हम एक हैंडी से पीस सकते हैं, इसी कढ़ाई में ही डायरेक्ट लगा के, या फिर इसे ठंडा करके मिक्सी में डालकर पीस सकते हैं। मैंने इसे पूरी प्योरे को मिक्सी में डाल दिया है। इसे पीस कर अच्छे से छान लेती हूँ। छानने के बाद वापस उस कढ़ाई में ये मिश्रण को डाल देती हूँ। अब बारी आती है इसमें और चीज़ें डालने की। आपने देखा, दो ट्रिक थी, एक तो टमाटर बढ़िया मोटे गूदे वाले थे, और दूसरा इसमें पानी बहुत कम डाला, मतलब सिर्फ लगे नहीं नीचे इसलिए, जिसकी वजह से उसमें लगा भी नहीं और बहुत बढ़िया ये गाढ़ा अभी से ही है। तो अब इसे पकाने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते, हमें बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया सी सॉस बनकर तैयार हो जाती है। गरम मसालों का पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है, लाल मिर्चियाँ ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अब बारी आती है इसमें और क्या चीज़ें डालें। तो 2 टेबलस्पून भर के हम डाल देते हैं नमक।
आप सेंधा नमक अगर खाते हैं तो वो भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। और आधा चम्मच डाल दीजिए, आधा चम्मच मतलब आधा टेबल स्पून काला नमक। नमक हम डाल चुके, नमकीन तो हो गई, तीखी भी हो गई, अब बारी आती है इसे मीठा करने की। तो 1.5 किलो जो हमारे पास टमाटर थे और मिर्ची थी उसमें टोटल जो चीनी लगेगी करीब करीब 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। तो हमें चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, ये फुल गैस पे पकती भी जाएगी और थोड़ी थोड़ी चीनी के साथ और बढ़िया पकेगी, कलर भी आएगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट डालना है वो जिसकी वजह से ये खटास भी रहे परफेक्ट और ये लंबी चले, वो है सिरका, विनेगर, वाइट विनेगर जिसे हम चाइनीज़ आइटम बनाते हैं। 1 कप भर के मैंने डाल दिया है। अगर कप छोटा है तो 1.25 कप डाल दीजिए, अगर कप बड़ा है 250 ml का तो 1 कप डाल दीजिए। बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगी, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। अब इसे फुल गैस पर पकने दीजिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम जब मिले आपको चला लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें छींटे आएंगे तो हाफ कवर भी कर सकते हैं इस तरीके से। एक तैयारी और कर लीजिए, जब तक ये टमेटो केचप पके जिस बॉटल में आप डालना चाह रहे हैं उस बॉटल को आप स्टरलाइज कीजिए, जैसे एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए और उबलते हुए पानी में उसे खुला दीजिए। एक बार जब आप ये तरीका अपनाएंगे ना, जिसकी वजह से सॉस जो है काफ़ी लंबी चलती है। अगर बॉटल गीली रही या अंदर पानी रहा, किसी भी वजह से वो ख़राब रही, तो आपकी सॉस बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी और चीनी, यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लेकिन मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा, जो कलर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। 1 छोटा चम्मच डाल दिया है। अगर आपको लाल मिर्च जो हमने शुरू में ऐड की थी वो नहीं मिलती है तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। ये मिर्ची अगर आपको ताजी यहाँ नहीं मिले तो आप इसके बदले क्या यूज़ करेंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट है जो हमारे घर में सूखी लाल मिर्चें होती हैं, उन्हें आप भिगो के रखिए रात भर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च मिले तो बहुत ही बढ़िया, उनको भिगाएंगे तो कलर बहुत ही परफेक्ट आएगा, उसी को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये सॉस देखिए कितने बढ़िया से बबल्स उठ रहे हैं, बहुत गाढ़ी लग रही है। अब इस कन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से गैस बंद कर देते हैं कि गाढ़ी तो हो गई है, तो हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है वो भी बताती हूँ। एक और बात, हमें स्पैचुला से साइडों से इस तरीके से स्क्रैप करते जाना है, जिसकी वजह से ना ये मोटी परत जो ये साइडों से हो रही है ना वो अच्छे से निकल जाए और सारी सॉस हमारी गाढ़ी हो, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कटोरी लेते हैं, पहले इसमें थोड़ी सॉस ठंडी करते हैं। जब ये ठंडी होगी तब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कैसे होगा। कोई भी आप प्लेट ले लीजिए, इसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कि कैसी जब गिरती है तो हमें कैसी कंसिस्टेंसी इसकी सॉस की चाहिए होती है। मैंने पूरी चीनी डाल दी है, अब कुछ और नहीं डालना है। इसके ऊपर बढ़िया सी एक शाइन आती जा रही है, मैं इस तरीके से स्क्रैप करती जा रही हूँ और बहुत बढ़िया ये सॉस बन रही है। टेस्ट भी किया मैंने, बहुत अमेजिंग बनी है। अब ये जो सॉस है मैं एक वाइट प्लेट में आपको करके दिखा रही हूँ, ये मैंने डाल दिया, अभी भी गर्म है एक्चुअली। ये जब हम इस तरीके से पलटाएंगे ना तो ये इस तरीके से आ रही है नीचे तक, तो हमें कैसी चाहिए, जब ये थोड़ी गाढ़ी रहेगी, मतलब नीचे आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी, बस वो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस 2-3 मिनट और उबाल लेते हैं। आपको मेरी ये छोटी छोटी ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, कलर भी बहुत ही परफेक्ट, टेस्ट भी परफेक्ट और कंसिस्टेंसी भी। अभी मैं ऐसा कर रही हूँ नीचे नहीं आ रही है, मतलब है परफेक्ट है, और ठंडी होने के बाद तो और ज़्यादा वो गाढ़ी होगी, तो हमें इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। कई बार मेरे व्यूअर्स ये कहते हैं हमारी ज़्यादा पक गई है, ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, अब क्या करें, तो इसलिए आप लोग ये 2-3 बार चेक कीजिए और ठंडा करने के बाद चेक कीजिए, जब आपको ऐसा लगे मतलब ये सॉस बिल्कुल परफेक्ट है। गैस बंद कर दिया है, अब हम जब इसे ठंडा करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सॉस को हम बॉटल में कैसे भर के रखें और ये कैसी लग रही है। जब ठंडी होगी काफ़ी गाढ़ी लगेगी आपको। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ, जब ये बन जाती है हम लोग क्या करते हैं अक्सर इसे कवर करके रख देते हैं। होता क्या है, जब ये स्टीम लगती है इसमें जो पानी आता है वो नीचे गिरता है,
तो हमारी सॉस को पतला भी कर देता है और ख़राब होने के भी चांस होते हैं। तो जब भी आपकी सॉस बन गई है या उसे जाली के किसी बर्तन से ढक दीजिए, जाली से जैसे दूध वूध हम रखते हैं, या फिर खुला रहने दीजिए। दो तीन बार जब भी आपको टाइम मिले हल्का हल्का चला लीजिए, जिससे एक परत भी नहीं जमेगी और वो ठंडी हो जाएगी। है ना छोटी छोटी ट्रिक से काम की। और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इस सॉस की कंडीशन देखिए कितनी गाढ़ी है ना, ये ठंडी हो चुकी है। फ्रिज में तो रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, पर ये काफ़ी गाढ़ी है। ये देखिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना था। अब साइडों से स्क्रैप करते हुए इसे साफ बॉटल में भर दीजिए। अगर आपको इस सॉस को एक आध महीने के लिए बनाना है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, 100% चलेगी, क्योंकि ठंडों का मौसम है। दो चार महीने चलाना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हो बिना प्रिजर्वेटिव के। अगर आपको लंबा चलाना है या आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कैसे ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, तो इसमें सोडियम बेंजोइट डाला जाता है, वो इस टाइम डाला जाता है। तो हम सोडियम बेंजोइट नहीं यूज़ कर रहे, तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज हर घर में होती ही है, तो आप रखिए, काफ़ी लंबी चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं आएगी। बस इसे पकाइए इस तरीके से। आपको ये लगेगा कि जो हमने सिरका डाला है वो ना डालें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम सिरका नहीं डालेंगे तो मार्केट में ये लोग जो रोज़ स्ट्रीट फूड पे सॉसेस लगती है ना, उसमें ये लोग क्या करते हैं, साइट्रिक डालते हैं। साइट्रिक जो कि हमारे बच्चों का गला ख़राब होता है, तो हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए सिरका डालिए, बहुत सस्ता होता है, साइट्रिक से थोड़ा महंगा होता है और ईजिली हर जगह मिल जाता है, जिससे हमारे बच्चों का गला ख़राब ना हो। और सॉस एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को बेहद पसंद आती है। इन केस किसी भी वजह से आप विनेगर यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप विनेगर के बदले आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। वैसे मेरा यह सजेशन है, विनेगर ज़्यादा सेफ है। सॉस का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया है। अब ये जो बॉटल हमारी एक बनी है, ऐसी कम से कम तीन बॉटल बनेंगी, तो यूँ समझ लीजिए आधा किलो टमाटर से हमारी एक टमेटो केचप बॉटल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सस्ती पड़ती है घर में, और सबसे बड़ी बात, नो प्रिजर्वेटिव, नो कलर, बहुत ही जल्दी फटाफट बनने वाली, कुछ खास ट्रिक्स के साथ। ये जैन सॉस कह सकते हैं आप इसे, बिना लहसुन प्याज के कह सकते हैं, जो आपकी पसंद की सॉस है उसे आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से सॉस बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।